नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। ऑल इंडिया फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का 3 दिवसीय सेमिनार हुआ प्रारंभ। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन तथा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के मुद्दों पर की गई चर्चा। नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में मैनेजमेंट के विभिन्न मुद्दों पर होगा मंथन। एडिशनल प्रिंसिपल जज संजय भाई त्यागी ने इंडिया खबर लाइव से की बातचीत। जी हां, आज नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में ऑल इंडिया फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का 3 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ, जिसमें मैनेजमेंट के विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन तथा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष एडिशनल प्रिंसिपल जज संजय भाई त्यागी तथा जीएफआरसी राजपीपला के प्रिंसिपल अक्षय भाई जोशी तथा वाइस प्रिंसिपल नर्मदा बहन इटाली वन रक्षक भरूच के कंजर्वेटर फॉरेस्ट डॉक्टर शशि कुमार खास रहे उपस्थित। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। Talking about his contribution in Gujarat Forest Department, he has contributed his expertise in Gir Sanctuary for land conservation, organizing vibrant Gujarat Investment Summit, and he also can add to his credibility for his dedicated services in Prime Minister's pet projects at Statue of Unity. He has traveled over 42 countries and organized 12 international conferences and workshops. He always believed in the power of young minds, and till now what I have experienced and what I have learned from him is the same. He believed in the power of young minds, and he always inspires our future generation. So now, mic is over to Dr. K. Shashi Kumar. Good morning, friends. कोरोना के बाद हम सब लोग जिंदा है, इसके लिए जोरदार ताली हो रही है। ये सब लोग मिल नहीं पाया 2021 को, हम सब लोग मिलने का मौका मिला। और सेकेंड, इतना एक्टिक शेड्यूल में 3 दिन रजा मिली, इसके लिए स्पेशल थैंक्स डिपार्टमेंट को, तुम्हारा बॉस को। वैसे चारों तरफ आपके ऊपर कैमरा लगी हुई है, सो योर की वेरी हैप्पी ऑन दैट एंड गुजरात इज। आज केवड़िया में हमने ऑल इंडिया फॉरेस्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया है, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट विषय के ऊपर है। 3 दिन तक चलने वाले सेमिनार में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 46 जितने अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जो 3 दिनों तक इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विहंगम दृश्य के बीच वो यहाँ के 38 प्रोजेक्ट जो वन विभाग और अन्य विभागों ने अमल किए हैं, उनकी मुलाकात भी लेंगे और यहाँ से बहुत सारा लाभ लेके जाएंगे। ये स्थान हमारे राष्ट्र के प्रणेता सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री ने किया था, उसके लिए जाना जाता है। और मुझे आशा है कि ये ट्रेनिंग भविष्य में एक रेगुलर फीचर बनेगी। धन्यवाद।